जैसे ही माँ ने देखा सुनीति माता ने कि मेरा बालक रो रहा है, आंखों में आंसू है। कोई भी माँ अपने बालक के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ को जिस प्रकार पृथ्वी माता है, वो हमेशा अनेकों कष्ट सहन करके भी हमें धारण किए रखती है। हमें पृथ्वी माता पे हम हमेशा स्थित रहते हैं, हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। माँ को पृथ्वी कहा है और पिता को आकाश कहा है कि माँ है वो, पुत्र चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना दे दे, पर माँ उस दुख को हंसते हंसते सहन कर लेती है। और पिता को आकाश क्यों कहा है? क्योंकि आकाश हमेशा हमें छत्र छाया प्रदान करता है, तो पिता अपना प्रेम रूपी छत्र छाया हमेशा अपने बालकों पे और सुरक्षा रूपी छत्र छाया हमेशा अपने बालकों को प्रदान करते हैं। आज जिनके माता पिता साथ हैं, वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, पर जिनके माँ बाप नहीं है, छोड़ करके चले गए, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, वो ये बात अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि माँ बाप जिनके जीवन में जिनके साथ हैं, उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रहती। जब नन्ना सा बालक होता है, माँ बाप के साथ रहता है, तो उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। भले उसके जीवन में कितना ही बड़ा दुख आ गया हो, वो आएगा और आकर के अपनी मैया या अपने पिता की गोद में सर रख के सोएगा, उसी समय पूरा दुख है वो दूर हो जाएगा। और माँ बाप का हृदय इतना बड़ा है कि वो अपने बालक के बड़े से बड़े दुख को अपने आंचल में समाहित कर लेते हैं। तो जिनके माँ बाप साथ में हैं, उन्हें बताया है कि वो इस संसार के सबसे बड़े धनवान, सबसे बड़े भाग्यशाली बालक हैं, जिनके साथ माता पिता हैं। माँ बाप की बड़ी महिमा बताई गई है कि जब बालक छोटा होता है तो माँ अपने साथ बालक को सुलाए रखती है। अब नन्ना बालक जब रात्रि में माता के साथ सोया हुआ होता है, अगर बालक जिस स्थान पे सोया हुआ होता है वो स्थान गीला हो जाता है, तो वो माँ अपने बालक को उस स्थान से उठा करके जिस स्थान पे स्वयं सोई हुई है, सूखे स्थान पे माँ अपने बालक को सुलाती है, और जो गीला है वहाँ पे पूरी रात माँ स्वयं सोती है, पूरी पूरी रात जाग करके अपने बालक को सुलाती है। और भले ही स्वयं कितनी ही दुखी, पर कभी भी अपनी संतान के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करती। जिनके माता पिता साथ में हैं, उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि जब तक माँ बाप है, जितना हो सके उनकी सेवा करो। माँ बाप की अगर आप सेवा करते हो तो आपको किसी भगवान को, किसी देव को पूजने की आवश्यकता नहीं। श्रवण का नाम सुना है, श्रवण ने केवल माता पिता की सेवा की थी और किसी भगवान को नहीं पूजा था। माता पिता की सेवा करने के कारण आज श्रवण की मृत्यु कब की हो गई, पर आज भी हम उसे याद करते हैं और उन्हीं के साथ जो हम जिस मैया की सेवा करने के लिए ये कथा हमने रखी है, ये कथा का आयोजन जो आपने रखा है, उन माता पिता के बाद एक माँ और गौ माता। आपने देखा होगा कि हर जीव, हर मानव, अगर उसके साथ हम कभी बुरा कर दे तो उसके मन में, भले उसके बाद हम कितना ही उसे मना ले, उसके लिए कितना ही भला काम कर दे, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भेद अवश्य रहे। पहले जैसा रिश्ता नहीं बने, पर जो गौ माता है
हम उसका दूध निकालते हैं, उसे घर में रखते हैं, जब तक वो दूध देती है तब तक घर में रखते हैं, उसके बाद उसे बाहर निकाल देते हैं। वो दर दर की ठोकरें खाती है, भूख प्यास का सामना करती है, इतना कष्ट सहन करने के बाद भी कभी भी गौ माता अपनी आत्मा से अपना जो मालिक है उसे कभी बद्दुआ नहीं देती। जैसे ही उस गौ माता को